चेन्नई सुपर किंग का आईपीएल 2020 का सफ़र ख़त्म हो गया है और अभी तक चेन्नई सुपर किंग ने कुल 10 मैच खेले हैं, जिसमें उनको 7 मैच में करारी हार का सामना करना पड़ा है, जबकि 3 मैचों में उनको जीत मिली है। इसी के साथ अब सीएसके प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो चुकी है और बहुत ही कम गुंजाइश है कि आईपीएल 2020 में सीएसके प्लेऑफ तक पहुंचे। लेकिन इसके पीछे जो सीएसके मुड़ कर देखेगी तो उनको बहुत सारे खामियां नज़र आएंगे, जिसमें बहुत सारे गलतियां चेन्नई सुपर किंग ने किए हैं, जिस पर उनको ध्यान देना होगा। और ख़ास करके जो उनका बल्लेबाजी क्रम रहा, बल्लेबाज को फॉर्म्स रहा, बल्लेबाजी करने के तरीका रहा, वो बिल्कुल ही ख़राब रहा, जिसके बारे में सीएसके को सोचने की ज़रूरत है। और निश्चित रूप से जब अब सीएसके अगले साल खेलने आएंगे तो उनके टीम में आप लोग कई सारे बदलाव देखने को मिलेंगे, कई सारे नए खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं इस आईपीएल में सीएसके के लिए खेले हैं जिनको सीएसके अगले सीज़न में रिलीज़ करेगी। जिसमें अगर हम बात करें तो कोई शंका नहीं है कि मुरली विजय को सीएसके रिलीज़ करेगी, केदार यादव को सीएसके रिलीज़ करेगी। वही अगर हम बात करें तो हो सकता है कि शेन वाटसन अगले साल हमें खेलते हुए नज़र ना आए, हो सकता है कि वो रिटायरमेंट का घोषणा कर दे, हो सकता है कि महेंद्र सिंह धोनी भी हमें खेलते हुए नज़र नहीं आए क्योंकि वो भी रिटायरमेंट ले सकती है, ऐसे भी खबरें सामने निकल के आ रहे हैं। हमें सीएसके के साथ हरभजन सिंह नहीं दिखेंगे आईपीएल 21 में, तो कई सारे बदलाव होने वाले हैं अब आईपीएल 2021 के लिए। तो इसके लिए अब देखना होगा कि सीएसके किस रणनीति के साथ अगले सीजन आएगी। लेकिन इस सीज़न में बल्लेबाजी बुरी तरीके से फ्लॉप रही, कोई भी बैट्समैन रन नहीं बना पाए कंसिस्टेंसली। वहीं अगर हम बात करें डुप्लेसी की तो उन्होंने शुरुआत में कुछ मैचों में ज़रूर रन बनाए लेकिन बाद में वो भी फ्लॉप हो गए। शेन वाटसन कुछ मैच ज़रूर अच्छे खेले लेकिन उनके पारी में भी कंसिस्टेंसी नहीं रही। महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से बिल्कुल भी रन नहीं निकला। केदार यादव पूरे टेस्ट इनिंग के मूड में कुछ मैचें खेले जिनमें उनके कारण से भी एक दो मैचों में हार मिली। वहीं अगर हम बात करें गेंदबाजी की तो स्पिनर बिल्कुल फ्लॉप साबित हुआ, तेज गेंदबाजी ने कुछ विकेट जरूर लिए लेकिन तेज गेंदबाजी भी नहीं चल पाई। वहीं ऑलराउंड प्रदर्शन जिसके लिए ब्रावो को टीम में रखा गया था, ब्रावो इंजरी के कारण बहुत सारे मैचें नहीं खेल पाए लेकिन जो मैच उन्होंने खेले उसमें भी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। एक युवा खिलाड़ी जिसको इस साल सीएसके ने अपने खेमे में शामिल किया था सैम करन, उनका प्रदर्शन ओवरऑल मीडियम में था लेकिन उसके बावजूद भी उनका भी प्रदर्शन आउटस्टैंडिंग नहीं हो पाया। तो सीएसके की जो पूरी टीम थी किसी के तरफ से भी पूरा अपना 100% नहीं मिला, इसके कारण से सीएसके को करारी हार का सामना करना पड़ा है आईपीएल 2020 में। और ये बहुत दशकों के बाद होगा कि सीएसके प्लेऑफ में नहीं पहुंची है। और कहा जाता है कि महेंद्र सिंह धोनी यानी कि जीत की गारंटी, लेकिन इस सीज़न में महेंद्र सिंह धोनी का जादू भी हमें चलता हुआ नज़र नहीं आया। तो सीएसके के फैंस आईपीएल 2020 से बहुत ही ज़्यादा डिसपॉइंटिंग है, सीएसके से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है क्योंकि सीएसके के इतने हार कभी तक देखे नहीं थे, इसीलिए ये ज़्यादा चुभ रहा है सीएसके फैंस को, क्योंकि सीएसके के फैंस की हमेशा जीत की आदत है। सीएसके हर सीज़न में सबसे पहले प्लेऑफ करने वाली टीम बन जाती थी लेकिन इस साल पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे चल रही है, यही वो कारण है जिसे सीएसके के फैंस बहुत ही ज़्यादा नाराज है, दुखी है और कहीं ना कहीं आहत है। तो इस पर आपका क्या है कहना, सीएसके क्यों खराब प्रदर्शन किया इस साल, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको लगता है कि किसी को टीम में रखना चाहिए, किसको बाहर करना चाहिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द नए अपडेट के साथ, बने रहे हैं मैं नेटवर्क पर।